प्रोविजन। अब नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रोविजन बनाना है तो अपने जानबूझ के ज्यादा अमाउंट का बना दिया, तो आपको रिस्क एडजस्टमेंट कॉशियस होकर करनी है ताकि लायबिलिटी ना अंडर स्टेट हो ना ओवर स्टेट हो। अच्छा, क्या हम प्रोविजन बनाते वक्त फ्यूचर इवेंट को कंसीडर करें? उसका सॉल्यूशन ये है, फ्यूचर इवेंट दैट मे अफेक्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल एन ऑब्लिगेशन शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन वेयर देयर इज सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट दे विल अकर। फॉर एग्जांपल, बाज़ाबा क्या होता है कि हम कोई एसेट खरीदते हैं तो अगर उसकी लाइफ है 10 साल, तो 10 साल के बाद हमें उसको वहां से रिमूव करना होता है, डिसमेंटलिंग करनी होती, साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट लगती। अब फॉर एग्जाम्पल, आज कैपेसिटी में खड़े होकर देखें तो वहां से उस एसेट को क्लीन अप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन 10 साल के बाद हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी आ जाए और कॉस्ट हमारी कम हो जाए, तो क्या उस टेक्नोलॉजी के आने को भी हम आज कंसिडर करें? नहीं, ऊपर तो लिखा हुआ है शैल बी रिफ्लेक्टेड, आगे कंडीशन क्या है, वेयर देर इज सफिशियंट एविडेंस दैट दे विल अकर। फॉर एग्जाम्पल, एन एंटिटी में बिलीव दैट द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग अप अ साइट एट द एंड ऑफ लाइफ विल बी रिड्यूस्ड बाय फ्यूचर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, द अमाउंट रिकॉग्नाइज रिफ्लेक्ट अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल अवेलेबल एविडेंस एज टू द टेक्नोलॉजी दैट विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम। Thus, it is appropriate to include, for example, expected cost reduction associated with increased experience in applying technology or expected cost of applying technology to a large or more complex cleanup operation. However, an entity does not anticipate the development of a completely new technology for cleaning up unless it is supported by sufficient objective audit, sufficient objective evidence. ठीक है? तो जब तक जी आपके पास सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं होगा, आप उस नई आने वाली टेक्नोलॉजी को एंटिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटी आने वाली होती है ना, वो किसी लॉ से कनेक्ट हो जाती है, अगर ये लॉ पास हो गया तो लाइबिलिटी आएगी वरना नहीं आएगी, तो लॉ पास होने वाला है नहीं होने वाला उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल न्यू लेजिस्लेशन इज टेकन इन टू कंसिडरेशन इन मेजरिंग एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन When sufficient objective evidence exists that legislation is virtually certain to be enacted. What is virtually certain? Probable तो हमने पढ़ लिया ना, more than 50. जी Virtually certain क्या होगा? More than 95%. जब तक उसके enact होने के chances more than 95% ना हो जाए, हम उसे consider नहीं करेंगे। ठीक है? जी अच्छा, साथ वो कह रहे हैं कि बाज दफा ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस उस वक्त तक क्लियर नहीं होता जब तक लेजिस्लेशन पास ना हो जाए, तो फिर हम उसका इंतजार करेंगे। यहां तक कोई सवाल? नहीं सर, क्लियर। तकरीबन थ्योरी बेस्ड स्टैंडर्ड है हाँ, ज्यादातर जी। आइडेंटिफिकेशन होती है। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि हम प्रोविजन रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, लेकिन जो पेमेंट है वो बाद में हमें किसी से मिल जाएगी, उसको क्या रिकॉर्ड करें? जो पेमेंट हमें मिल जाएगी वापस, कैसे ऑफसेट कर दें अपने प्रोविजन से? द जी स्टैंडर्ड सेज दैट वेयर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी, द रीइंबर्समेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट रीइंबर्समेंट विल बी रिसीव्ड इफ द एंटिटी सेटल द ऑब्लिगेशन। यानी कि वर्चुअली सर्टेन होगी तो रीइंबर्समेंट रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, रीइंबर्समेंट जो होगी उसको हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे सेपरेट, प्रोविजन से ऑफसेट नहीं करेंगे। और रीइंबर्समेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा जितना आपने प्रोविजन बनाया, उससे ज्यादा रीइंबर्समेंट नहीं हो सकती। अच्छा, हमने जो एक्सपेंस बनाया हुआ है प्रोविजन का, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, रीइंबर्समेंट बुक करेंगे तो एसेट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो क्या पीएनएल में एक्सपेंस और इनकम ऑफसेट हो सकती है?
बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट तो ऑफसेट करने को मना कर दिया गया है, लेकिन पीएनएल में एक्सपेंस और एसेट क्या हो जाएगा, नेट ऑफ हो जाएगा। सही, ऑफसेट नहीं अभी होगा। हाँ अभी ये नहीं, पीएनएल में ऑफसेट हो जाएगा, बैलेंस शीट में ऑफसेट नहीं होगा। जैसे हमने 1,000 का प्रोविजन बनाया तो एक्सपेंस डेबिट 1,000 से और रीइंबर्समेंट 800 का रिकॉर्ड किया एज एन इनकम, तो हम 200 का जो है वो एक्सपेंस बुक करेंगे, 1,000 माइनस 800 200। अब ये जो हो रहा है ना कि कोई और सेटल करेगा, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया है, उसकी सेटलमेंट वगैरह कैसे हो। समटाइम्स एन एंटिटी इज एबल टू लुक टू अनदर पार्टी टू पे पार्ट और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी क्लॉजेस, सप्लायर्स वारंटीज। द अदर पार्टी में आइदर रीइंबर्स अमाउंट पेड बाय द एंटिटी और पे द अमाउंट डायरेक्टली। जैसे एक रिटेलर है मोबाइल फोन बेच रहा, तो आप उसके पास जाके मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो वारंटी आपने दी, पेमेंट कौन करेगा अगर कोई फॉल्ट आया तो? रिटेलर को ही करेगा, कंपनी करेगी ना। तो देखा ये जाएगा कि अल्टीमेट पेमेंट किसको करनी है, क्या डायरेक्टली कंपनी पे कर रही है या हम पे कर रहे हैं और बाद में हमें रीइंबर्स होगा, इस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनेगा। इन मोस्ट केसेस द एंटिटी विल रिमेन लायबल फॉर द होल ऑफ द अमाउंट इन क्वेश्चन, सो दैट द एंटिटी वुड हैव टू सेटल द फुल अमाउंट इफ द थर्ड पार्टी फेल टू पे द फॉर दैट। इन दिस सिचुएशन अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फुल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एंड अ सेपरेट एसेट फॉर द रीइंबर्समेंट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट रीइंबर्समेंट विल बी रिसीव्ड, द एंटिटी सेटल्स द लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको बाद में जो भी मिलना है वो तो बात की बात है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, आप पहले अपना प्रोविजन बुक करें, बाद में सेटलमेंट रीइंबर्समेंट रिकॉर्ड। और अगर ऐसा हो गया कि आप कस्टमर को बोलेंगे अगर उसने नहीं दिया तो मैं आपको दूंगा, फिर इसका मतलब है आपकी लायबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसने नहीं दिया तो बनेगा, तो एज ए रिजल्ट फिर आप इसे लायबिलिटी बुक नहीं करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बुक करेंगे कि अगर सामने वाला मना करेगा तो हमारे लिए लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, अच्छा क्या फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का प्रोविजन बन सकता है? जी बन सकता है। तो प्रोविजन तो लायबिलिटी का बनता है, तो क्या फ्यूचर में होने वाले लॉसेस लायबिलिटी हैं? नहीं, तो प्रोविजन शल नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जो लॉसेस होते हैं वो तो अवॉइडेबल होते हैं, उसका प्रोविजन नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि आपके एसेट क्या हो गए, इम्पेयर्ड हो गए। अब आप IAS 36 इस्तेमाल करें और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट में आ गया, तो IAS 36 में पढ़ा गया।